अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके सामने एक इंडिकेटर लेके आया हूँ, परफेक्ट नाम से ये। तो इसमें कस्टमर आया, इसमें ख़राबी यही है कि ये ऑन नहीं हो रहा। अगर आपके पास ऐसा कोई भी कांटा आए, ऑन ना हो, तो उसको आप कैसे चेक करेंगे और क्या क्या चीज़ें चेक करनी है जिससे आपको इजीली जल्दी फॉल्ट नज़र आ जाए इसका। तो चेक करने का सबसे जो बेहतर तरीका है, सबसे पहले आप अगर बटन को चेक कर रहे हैं ऑन नहीं हो रहा, तो इसको चार्ज पे लगा कर चेक करें, ठीक है। अगर इसको चार्ज पे लगाने के बाद ऑन हो रहा है, तो इसके बैटरी का फॉल्ट है, कनेक्शन का फॉल्ट होगा या बैटरी ख़त्म हो गया। अगर चार्ज पर भी ऑन नहीं हो रहा, फिर चलो अंदर से चेक करके आपको बताऊँगा। सबसे पहले इसका मैं कनेक्शन लगा दूँ, कनेक्शन लगाओ चार्ज का। ये देख रहे हैं आप, एलईडी जल रही है, एसी लाइट जो ये यहाँ दिख रही है इसको, ये जल रही है इसलिए, ठीक है। अभी इसको हम ऑन करेंगे, ये देखिए अभी ऑन किया तो ये इजीली ऑन हो गया। इसका मतलब इसकी बैटरी में मसला है। चलो वेट रख के देखते हैं। ये देखें, वेट भी इसका बिल्कुल परफेक्ट बता रहा है। तो इसकी वेट की जो सेटिंग होगी वो भी हम करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके बताऊँ कि इसकी अभी बैटरी ख़राब है या कनेक्शन का प्रॉब्लम है। अगर इस तरीके से आप अगर जेक लगाते हैं और ऑन हो जाता है, तो उसका मतलब ये है कि या तो इसका बैटरी ख़राब है या बैटरी के कनेक्शन जो है उसमें प्रॉब्लम है। चलो इसको खोलते हैं और चेक करते हैं कि बैटरी का फॉल्ट है या कनेक्शन का फॉल्ट है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहता चलूं कि हमारे यहाँ हर तरह के विंग स्केल की कैलिब्रेशन की जाती है, हर तरह के विंग स्केल की रिपेयरिंग की जाती है, हर तरह के इंडिकेटर की रिपेयरिंग की जाती है, लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, विंग स्केल के ऑल पार्ट्स की रिपेयरिंग की जाती है। लोग किस तरह से विंग स्केल में चीटिंग करते हैं और लोग किस तरह से विंग स्केल में फ्रॉड करते हैं, ये सब कुछ सीखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हाजी ग्लोबल स्केल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, ये देख रहे हैं आप, इसमें जोड़ आपको दिखाई दे रहा है वो सामने एक जेक। तो ये जेक बाहर, यहाँ से हमने ये नट निकाल दिए चार, लेकिन जेक अंदर है क्योंकि इसका कनेक्शन नीचे से टूट गया था, किसी ने इसका कनेक्शन किया है, तो इसलिए ये जेक अंदर है। तो चलो इसको हम काउंटर पर रखते हैं और आपको चेक करवाते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः ही नट हमने निकाल दिए हैं। अभी हम इसको खोलेंगे आपके सामने, ये देखें, ये हमने खोला हुआ है आपके सामने, ये देखें, ये बैटरी आपके सामने, इस बैटरी के दोनों कनेक्शन लगे हुए हैं, ठीक है। बैटरी के कनेक्शन लगे हुए हैं और चार्जिंग वाला जेक है, इसका कनेक्शन लगा हुआ है, बटन के भी लगे हुए हैं, सारे कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट हैं, ये देखें। अब सब कनेक्शन परफेक्ट हैं तो सर अब क्या करना चाहिए, क्या पता चलेगा ये बैटरी ख़राब है या कोई और फॉल्ट है इसमें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बैटरी को चेक करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक मल्टीमीटर है, एक मिनट में इसको रख देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, मैंने इसको डीसी रेंज पे कर दिया, ये देखे ना डीसी लिखा हुआ है, डीसी रेंज पे कर दिया। अभी मैं बैटरी को चेक करूँगा, तो ये यहाँ पर डीसी रेंज पे, ये हमारे पास दो प्रॉप है, उल्टी या सीधी आप लगाने फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ माइनस या प्लस में बताएगा। ये देखें 2.7, ये हमने उल्टी लगाई ये प्रॉप, इसीलिए यहाँ पर शो करा है 2.7, तो इसका मतलब ये बैटरी ख़राब है। ये बैटरी आपको यहाँ पर वोल्टेज शो होने चाहिए इसके 4.4 या 3, ठीक है। जो लास्ट वाले 12 दिख रहे हैं, 11 दिख रहे हैं, इनको आप रहने दें। ये मैंने निकाल दिया, 0.0 हो गया, ये मैं फिर से लगा रहा हूँ, ये देखें, ये मैंने निकाल दिया, ये मैं फिर से लगा रहा हूँ, ये देखें बैटरी इसकी ख़त्म है। अच्छा, बैटरी ख़त्म है तो अभी कस्टमर को क्या कहना है, कस्टमर को यही कहना है कि भाई इसकी बैटरी ख़राब है, आप चेंज कर दें। अब मैं पूछूंगा पहले कस्टमर से, अगर वो कहेगा इसके चेंज कर दो तो मैं चेंज करूंगा, अगर कहेगा नहीं तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आएगा। तो मेरे भाई, मैंने अपने कस्टमर से पूछा तो उसने कहा कि बैटरी चेंज कर लो। तो ये देखिए आपके सामने, इस बैटरी को मैं निकालूंगा और दूसरी इसमें बैटरी में एडजस्ट करूँगा। ये दो नट होते हैं इसमें, ये आपके सामने निकाल रहा हूँ मैं, एक मिनट इसको निकाल लूँ, उसके बाद मैं आपको ये बैटरी दिखा रहा हूँ। तो ये वही बैटरी है जो मैंने आपको 2.7 में बताई थी कि ख़राब है। इसके ये दोनों टाँके हम निकालेंगे, कावे से ये मैंने लाल वाला टाँका निकाला, अभी ब्लैक वाला। तो इसी तरीके से आपने टाँके निकालने। अच्छा, काफ़ी लोग इस तरह करते हैं कि हाथ से इसको
तार को इसमें लपेट लेते हैं। देखें अगर लपेटेंगे तार में तो वो बैटरी सही काम नहीं करेगी, ठीक है। तो अपने जो बैटरी लगानी है उसको टाके लाजमी लगाने हैं। ये मैं सोगो वाली बैटरी इसमें लगा रहा हूँ, ये देखें आपको आपके सामने टाके लगा रहा हूँ। तो टाके लगाना लाजमी होता है, इसे कहते हैं प्रॉपरली बैटरी को एडजस्ट करना, ठीक है। तो अगर आप टाँके नहीं लगाएंगे तो बैटरी की टाइमिंग भी ख़राब हो जाएगी। जो एक साल डेढ़ साल चलने वाली बैटरी होगी वो आपके सामने ऐसे समझ एक साल तो क्या छः महीने भी नहीं चलेगी। उसको परसेंटेज नहीं मिलेंगे, वोल्टेज सही नहीं मिलेंगे, तो वो चार्ज नहीं होगी और टाइमिंग भी कम बताएगी। बार बार ऐसे समझो कि लाइट्स जो है इसके वेट स्केल की वो झमके देगी, आप ऐसे समझे कि शायद ख़राब है कांटा वगैरह। तो इसलिए टाँके लगाएंगे तो परफेक्ट काम होगा, ठीक है। तो ये मैंने बैटरी अभी नट लगा रहा हूँ मैं दोनों, ये नट लगा दूँ उसके बाद मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैं ऑन कर रहा था तो आपके सामने ऑन नहीं हो रहा था, तो अभी ये नट मैंने लगा दी। अभी मैंने ये ढक्कन सीधा किया है, ये देखिए मैंने ऑन किया है, ये आपके सामने ऑन हो चुका है। दोबारा मैं बंद करके इसको खोलूँगा, ये देखिए आपके सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑन हो चुका है। और ये वेट वज़न दे रहा हूँ मैं, वज़न भी बिल्कुल सही बता रहा है आपके सामने। अभी मैं इसके नट लगाऊंगा चारों, छः नट हैं इसमें, तो अगर छः नट हो तो छः ही लगा दें आप, अगर छः नहीं है चार नट हैं तो आप चार नट इसमें लगा दें। चार नट भी काफ़ी मज़बूत नट होते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें छः नट ही लगा दें। तो ये मैं नट लगा कर आपको फिर से दिखा रहा हूँ, एक मिनट के लिए मैं इसमें नट लगा दूँ। ये नट लगा दी मैंने, ये देखें आप, तो अभी मैंने फ़िक्स करके रखा है, अभी ऑन करूँगा चार्ज पे भी लगा कर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने चार्ज पे लगा रहा हूँ तो ये चार्ज भी हो रहा है और ये कांटा अभी ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने बिल्कुल ऑन हो चुका है, वेट वगैरह सही तरीके से शो कर रहा है, अभी कांटा रेडी होगा। इसी तरीके से अगर आप बैटरी चेंज करना चाहें तो अच्छे तरीके से बैटरी चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर फरमाइएगा। तो हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।